बच्चे को इंजीनियर बनना है तो उसको पहले एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, स्कूल का सिस्टम। जब स्कूल में 12th पास करेगा तो उसको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट का, और एंट्रेंस टेस्ट में जब उसका क्लियरेंस हो जाएगा और उसका नंबर आ जाएगा तो उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर फिर एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, कॉलेज का सिस्टम। तो जब भी एक बच्चा इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है या CA बनता है या एडवोकेट बनता है या पायलट बनता है, वो बिना सिस्टम के नहीं पहुंच पाता। तो जैसे बच्चे के लिए वो स्कूल एक कॉलेज एक सिस्टम है, जैसे एक पतंग के लिए एक डोर एक सिस्टम है, जब तक वो डोर से बंधी रहती है हमेशा उड़ती रहती है, जैसे उसको काट देंगे डोर को वो थोड़ी देर तो उड़ेगी, उसके बाद वो नीचे आ जाएगी। जैसे हम कभी भी अंगीठी अपने घर में जलाएं तो उस पर चाय पिए, उस पर रोटी बनाए, सब हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि कोयले जो है वो कोयले एक सिस्टम में होते हैं, सिस्टम का नाम है अंगीठी। जैसे उस कोयले को वहां से निकालकर बाहर रखा जाता है, उस पर ना चाय बन सकती है ना उसके ऊपर रोटी बन सकती है, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कामयाबी का एक अचूक मंत्र है तो वो अचूक मंत्र है सिस्टम। सिस्टम किस चीज का? मीटिंग्स का, ट्रेनिंग्स का, सेमिनार्स का। क्या फायदा होता है इस कंटिन्यूटी से? इससे फायदा ये हो जाता है कि हम रेगुलर अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और रेगुलर हम नॉलेज को गेन करते रहते हैं। जब हम ऑफिस में जाते हैं या अपने घर में वीकली मीटिंग करते हैं, हमारे को बहुत सारे और लोगों से मिलने का मौका मिलता है। औरों की सक्सेस स्टोरी से हम और हमारी टीम इंस्पायर होती है। मान लीजिए हमारे साथ में एक लेडी ने ज्वाइन किया जो सिंपल होममेकर है, और वो ये सोचेंगी मनोज मलिक जी तो कर सकते हैं लेकिन एक मैं तो एक सिंपल होममेकर हूं। लेकिन जब वो वीकली मीटिंग के सिस्टम में जाती हैं और वहां पर कोई होममेकर अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रही होती हैं कि किस तरीके से वो फॉरेन जाती हैं, किस तरीके से वो होममेकर से एक कार अचीवर बन गई है, कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे पर एक कार गिफ्ट की थी, जब वो उनको सुनती हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि एक होममेकर भी कामयाब होती हैं। और जब एक होममेकर एक जॉब क्लास वाले को लेकर आती हैं तो जॉब क्लास को लगता है ये लेडीज का काम है, उनके पास टाइम होता है, वो कर सकते हैं, मैं कहां से कर सकता हूं। लेकिन जब वो वीकली सिस्टम में जाते हैं और कई जॉब क्लास पर्संस पार्ट टाइम में ये बिजनेस को बिल्ड होकर कामयाब हो चुके होते हैं तो उनको विश्वास होना शुरू हो जाता है। अब हम वीकली मीटिंग में जाना शुरू हो जाएं लेकिन प्रोडक्ट की नॉलेज ना लें, बिजनेस की ट्रेनिंग्स को ना लें, तो हमारी नॉलेज अपग्रेड नहीं होगी। तो हमारे को प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी लेना जरूरी है और बिजनेस की ट्रेनिंग्स को भी लेना जरूरी है। और सेमिनार में तो पूरा समा ही बन जाता है, जब अलग अलग एरिया के लीडर्स आते हैं, पूरी मैनेजमेंट आती है और वो एक ऐसा समा बांधती है जिससे कि हर व्यक्ति एक्साइटेड होकर कुछ सीखकर बहुत मोटिवेट होकर वहां से निकलता है, तो अगले 1-2-3 महीने वो एक्शन में रहता है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, दो दोस्त थे, एक जय और एक वीरू, दोनों चोर थे लेकिन पुलिस वालों ने उनको डाकू को पकड़ने के काम पे लगा दिया। बीच में उनको एक लड़की मिली बसंती जो टांगे वाली थी। तो क्या आपको शोले में मजा आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि आपने पिक्चर नहीं देखी है, सिर्फ आपने उसकी कहानी सुनी है। ये जो पिक्चर हम देखते हैं उसका मजा ही कुछ और होता है, और वही पिक्चर अगर हम LED पर देखें तो मजा हमारा बढ़ जाता है, और वही पिक्चर अगर हम PVR में देखेंगे तो वो पिक्चर हमारे को रातों की नींद तक उड़ा देती है, हमें लगता है कि क्या मूवी देख कर आए हैं। तो ऐसे ही जब हम घरों में मीटिंग करते हैं हमें अच्छा लगता है, हमें इसके स्टोरी के बारे में पता चलता है, लेकिन PVR होता है हमारे सेमिनार्स। जब हम सेमिनार्स में जाते हैं तो हमारा मोटिवेशन, हमारी एनर्जी वो आने वाले 2-3-4 महीने के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, और बहुत कुछ नॉलेज लेकर हम आते हैं।